हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1000 क्वेश्चन सीरीज में। हम इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर से रिलेटेड हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं, आप लोग आ जाइए पहले। देखिए, फर्स्ट है सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस को उसका सोर्स आपको बताना है। लॉन्ग टर्म को हम किस तरह से रेज कर सकते हैं, डिवेंचर्स, प्रेफरेंशियल शेयर, स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर करिए। देखिए, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए डिबेंचर्स, प्रेफरेंशियल्स एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी हमारे ऐसे सोर्स हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराएंगे। लोन कह सकते हैं या फाइनेंस कह सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमें लोन देगा और डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस से हमें फाइनेंस मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्या होगा? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल मॉनेटरी कॉस्ट, या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आंसर करिए। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए, जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो हम वहाँ पर दो कॉस्ट लेके चलते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज रिटन बिटवीन स्पेशल क्रॉसिंग? स्पेशल क्रॉसिंग के बीच में क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, या फिर अमाउंट टू पे। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की क्रॉसिंग होती है हमारी, एक होती है जनरल क्रॉसिंग या सिंपल क्रॉसिंग, और दूसरी होती है हमारी स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग में पूछा गया है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ए, नेम ऑफ द बैंक, क्योंकि जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ अकाउंट पे ओनली लिखा होता है या फिर नॉट नेगोशिएबल लिखा होता है, और जो स्पेशल क्रॉसिंग होती है उसमें साथ में बैंक का नाम भी लिखा होता है, तो सिर्फ उसी बैंक के अकाउंट में उसका पेमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वेयर द चेक्स इज पेड बाय क्रॉसिंग, ऑन द बैंक विंडो, बाय बैंक अकाउंट, एट द कस्टमर्स होम, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? ये सब आपके 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये मत सोचेगा मैंने आपको बहुत सिंपल कराए हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में किया जाता है, इनका मेन पर्पस ही यही होता है कि इनका विंडो पे पेमेंट ना हो, जिससे कि फ्रॉड को रोका जा सके, इसलिए इनका अकाउंट पेमेंट जो होता है डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड है, ऑडिट प्रोग्राम में क्या इंक्लूड होता है? चेक ऑफ ट्रायल बैलेंस, चेक ऑफ बैंक बैलेंस, वेरिफिकेशन ऑफ कैश, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, एक एक ऑडिट प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट है वो सही तरह से है या नहीं, उसमें सही चीज़ें पोस्ट की गई हैं या नहीं, या फिर बैंक बैलेंस सही तरह से अपडेट किया गया है या नहीं, या फिर जो भी कैश है उसका वेरिफिकेशन वाउचर से चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में कवर होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑडिट कंडक्टेड बाय, अब जो कॉस्ट ऑडिट है किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल,
ट्रेड एसोसिएशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डी, कि एक कॉस्ट ऑडिट को कोई भी कंडक्ट करा सकती है, जिसे भी कॉस्ट के बारे में अगर थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ पर कॉस्ट को ठीक तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा है या फिर कॉस्ट का यहाँ पे किसी भी तरह से मैनिपुलेशन किया जा रहा है, तो कोई भी करा सकता है जिसको भी डाउट होता है। तो फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो या फिर कोई ट्रेड एसोसिएशन हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑडिटर इज एन, ऑडिटर क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर अकाउंटेंट। बहुत अच्छे से आंसर करिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। जल्दी से करिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिपेंडेंट पर्सन। देखिए आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं कर सकते, माना कि वहाँ पर एक इंटरनल ऑडिटर भी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, फिर वो चाहे वहाँ पे इंटरनली अपॉइंट किया गया हो या फिर एक्सटर्नली, ठीक है, या फिर वो डेली बेसिस पर, यानी कि आप वहाँ पर पेड बेसिस पे किया गया हो या फिर वन टाइम बेसिस पे किया गया हो, वो इंडिपेंडेंट पर्सन ही कहलाएगा। क्योंकि वो यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी जो ऑडिटर होता है वो बाइस नहीं होना चाहिए, भले ही वो वहाँ से सैलरी ले रहा है, लेकिन फिर भी उसको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट शो करनी है, इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स, फर्नीचर, कैश, बिजनेस एंट्रीज या फिर एडवांस पेमेंट्स। आंसर करिए इसका। क्या लगता है आपको इसके अकॉर्डिंग, क्या इसमें करंट असेट्स में इंक्लूड नहीं होगा? देखिए फर्नीचर जो है वो फिक्स असेट्स का काम करता है, फिक्स असेट में आता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पर ये फिक्स असेट है, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करंट असेट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है, बैंक प्रोवाइड्स हाईएस्ट इंटरेस्ट। अब बैंक हाईएस्ट इंटरेस्ट हमें किस पे देती है, ऑन करंट अकाउंट, ऑन सेविंग, ऑन फिक्स अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, फिक्स्ड अकाउंट। एक फिक्स अकाउंट पर हमें बैंक हाईएस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स टाइम के लिए बैंक के पास वो जमा हो जाता है, जिसको वो फर्दर कहीं और इन्वेस्ट करके अर्न कर सकती है इंटरेस्ट को, इसलिए वो यहाँ पर हमें हाई इंटरेस्ट पे करती है। नेक्स्ट है, अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर, बायर, रिप्रेजेंटेटिव या फिर नन ऑफ दीज। अकाउंट स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करेगा? जल्दी से आंसर करिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अकाउंट स्टेटमेंट की, तो एक अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा, जिससे वो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करता है कि किस किस टाइम पर उसने कितना अमाउंट सेल किया है, ठीक है। अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
देखिए अक्रूवल सिस्टम की बात करें तो ये हमारा मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हमें अक्रूड है अभी हमने उसका भी अकाउंटिंग किया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारे पर हाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द कॉमन डिनोमिनेटर चूजन इन अकाउंटिंग इज मॉनेटरी यूनिट, रेवेन्यू मैचिंग, मर्केंटाइल या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए कॉमन डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग में, तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है, मॉनेटरी यूनिट, यानी कि सिर्फ हम उन्हीं यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में है। ये हमारा क्या है, कॉमन यहाँ पर डिनोमिनेटर है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स अगर क्वालिटेटिव नेचर का है या फिर ऐसा है जिसको मॉनेटरी एस्पेक्ट में नहीं मेजर कर सकते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए मॉनेटरी यूनिट हमारा यहाँ पे सबसे कॉमन डिनोमिनेटर है अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग या फिर नन ऑफ द अबव। सिंपल है इसका आंसर, ये डबल एंट्री से रिलेटेड है क्योंकि डुअल और डबल दोनों ही सेम है, और डुअल और डबल में क्या होता है, दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यानी कि हर एंट्री के दो पार्ट होंगे, कोई भी एंट्री सिर्फ हमारी एक साइड नहीं होगी यानी सिंगल नहीं होगी, उसकी दोनों साइड एंट्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द टोटल अमाउंट डेबिटेड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। राइट आंसर हो जाएगा डी, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और जब डेबिट और क्रेडिट एक साथ उनकी एंट्री की जाएगी तो वहां पे अमाउंट भी दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट सेंट अलोंग विद परचेस रिटर्न इज, अब ऐसा स्टेटमेंट जो कि परचेस रिटर्न के साथ प्रिपेयर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं या उसके संग भेजा जाता है, क्रेडिट नोट, बिल्स पेएबल बुक, डेबिट नोट या फिर परचेस रिटर्न बुक। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परचेस रिटर्न की, तो यहाँ पर आप एक चीज समझ के चलिए, जो सेलर है, सेलर जो होता है वो प्रिपेयर करता है क्रेडिट नोट, और जो बायर है वो प्रिपेयर करता है डेबिट नोट, ठीक है। अब यहाँ पे परचेस रिटर्न की बात आ रही है, तो परचेस रिटर्न आपको ये बताना होगा कि परचेस रिटर्न कौन करता है, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका राइट आंसर। ये याद रखिएगा कि ये सेलर और ये जो बायर होते हैं, ये जब भी इनको कोई डिफेक्ट मिलता है तब ये परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न करते हैं, तभी ये इस तरह के नोट प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कब आएगी, परचेस रिटर्न किसको किया जाता है, सेलर को किया जाएगा, किसके द्वारा, बायर के द्वारा, क्योंकि उसने जो भी माल परचेस किया था वो उसे पसंद नहीं आया या कुछ डैमेज था उसमें, तो उसको वापस करेगा विद अलोंग विद अ नोट या स्टेटमेंट, तो उसको बोला जाता है हमारा क्रेडिट नोट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट नोट, क्योंकि क्रेडिट नोट को ही तो वो उसके साथ वापस करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्टॉक इज वैल्यूड एट, अब जो स्टॉक है हमारा वैल्यूड होता है किस प्राइस पर, ये बताना है हमें, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और कर लीजिएगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, और ऑड प्राइस।
तो देखिए, हमने अब तक स्टॉक के बारे में बात करी है, तो स्टॉक जो होता है वो ऑलवेज हमारा कैलकुलेट किया जाता है, जो भी हमारे कॉस्ट का, उसका जो कॉस्ट होगा वो, और उस टाइम पीरियड में जो भी हमारे मार्केट के प्राइस होंगे, उनमें से जो भी लो होगा उस पर हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं। चेक रिसीव्ड एंड पेड इन टू द बैंक ऑन द सेम डे इज रिकॉर्डेड इन द, बताइए। एक चेक रिसीव किया है और पे किया है बैंक में सेम डे पर, ये किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट इन एडजस्टिंग द कैश बैलेंस, बताइए। इनमें से कौन सा हम काम नहीं करेंगे जब हम कैश बैलेंस को एडजस्ट करेंगे? किसे हम नहीं ध्यान में रखते बताइए? मिस्टेक्स इन ईच बुक, वो सॉरी कैश बुक या पासबुक की, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, या फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड इन पासबुक, बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बी, मिस्टेक्स इन पासबुक। ठीक है, नेक्स्ट है, अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन द बेनिफिट्स ऑफ विच इज लाइकली टू द लास्ट फॉर 3 ईयर्स इज, यानी कि जब हमने कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन में एक्सपेंडिचर किया था और वो लास्ट जिसका लाभ हमें 3 साल तक मिलना है, तो क्या कहलाएगा? कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताइए। क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि 3 साल में, तो इस तरह की कैंपेन तो हर 2-3 साल में होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन हम एक बार में इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इनको भी हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंटेंडेड टू प्रॉफिट, बताइए। करंट पीरियड का है, फ्यूचर पीरियड, पास्ट पीरियड, या बोथ ए एंड बी? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे डे टू डे बेसिस पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो इनका बेनिफिट भी हमें करंट पीरियड में ही मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बताइए। डिस्टिंक्शन हमें किस में पता चलेगा?
वो जाएगा कैपिटल एंड रिसीट्स में, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कितने हमारे कैपिटल्स हैं और कितने हमारे रेवेन्यूज निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर किया जाता है? क्या कहलाएगा? देखिए ये हमारा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने की बात करेंगे तो उसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेल्प लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू, यानी कि मशीनरी निर्माण में आपने मजदूरी दी है तो वो कहाँ पर डेबिट होगी? किसमें? देखिए ये उसी समय दी गई वेजेस है, बाद में नहीं दी है तो ये उसी के अमाउंट में ऐड की जाएगी, इसलिए भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट है अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज, बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखिए आपने गुडविल पे करने के लिए आपने खर्चा किया है तो ये तो आपका लार्ज अमाउंट है। ठीक है, और वन टाइम है, आप हर बार किसी की गुडविल परचेस नहीं, परचेस में एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, इसलिए ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, नेक्स्ट है द अमाउंट करंट मेथड, सॉरी द अकाउंट करंट मेथड इन विच द डेज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टू द कमेंसमेंट डेट इज नोन एज, यानी कि चालू खाता में आप लेन देन की तारीख शुरू होने से उसकी तारीख होने तक की तारीख तक की जो गणना करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड इपोक मेथड, डेली बैलेंस मेथड या फिर बैलेंस बैकवर्ड मेथड? बताइए क्या होगा आंसर? इसे बोलते हैं इपॉक मेथड, क्योंकि इसके अंदर हम ये पता करते हैं कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन की जो स्टार्टिंग डेट है और जो हमारे में कमेंसमेंट डेट है उन दोनों के बीच में हमारा कितना अंतर है, ये सब हमारा पता करने की डेट को हम बोलते हैं इपॉक मेथड, जिसको हम युग विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, कोई भी डाउट है तो प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।